हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका कुछ पार्ट हमने कल कवर किया था। और उस पार्ट में हमने पढ़ा था प्लांट्स इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का में जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था उसमें कल के वीडियो में। तो टुडे वी स्टडी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा न्यूट्रिशन के और कौन कौन से माध्यम होते हैं, उनके बारे में आज इसमें हम जानेंगे। तो जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स में वो कौन कौन से हैं, उनके नाम बता देता हूँ मैं। हम पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवायरस एंड सिम्बोसिस। और ये जो सेवन्थ क्लास में है वो उनमें दो पे ही कुछ ज़्यादा उसमें बुक्स में इन्वॉल्व किया गया है, एक तो पैरासाइटिक और एक सेप्रोफाइटिक। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अडॉप्ट ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। टूडे वी study about the other modes of nutrition. So our topic is other modes of nutrition in plants. So other modes of nutrition in plants में हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं वो देख लीजिए क्या होता है। आज हम पढ़ते हैं other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll, कि जो कुछ एक पौधे होते हैं जो अपना autotrophic modes of nutrition नहीं अपनाते, तो वो कौन सा अपनाते हैं? Heterotrophic. हाइड्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं वो, तो वो उनके माध्यम से में कौन कौन से हैं वो आप ये देख लीजिए, इस न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। और जैसा कि हमने कल के लेक्चर में कवरअप किया था कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस वो नहीं होती, और जिसके कारण वो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते। तो यहीं पे आप पढ़ेंगे देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन नहीं बना सकते, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाते हैं? हेटरोट्रॉफिक। ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो अपनाते हैं। तो उनमें सबसे कौन सा आता है, उस प्रकार के कौन से पौधे होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है कैस्केटा। ये जो पौधा होता है कैस्केटा इज डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो इट्स डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर फूड, अपने वजन। तो इस प्रकार से कैस्केटा को हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल आपने देखी होगी अपने आसपास एरिया में, कि इस प्रकार का एक पेड़ होता है कोई भी, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक प्लांट्स होता है, पौधा होता है, कोई पेड़ होता है, उसके ऊपर येलो येलो कलर की इस प्रकार की एक बेल होती है। इस प्रकार से उसको पूरे को वो कवर कर लेती है, इसकी अमर बेल होती है, उसको इंग्लिश में कैस्केटा कहा जाता है। तो इट कैन नॉट प्रिपेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना भोजन खुद ड्राइव नहीं कर सकती। वो क्या करती है, इस पौधे से ये जिस प्लांट्स पे ये कवर होती है, चढ़ती है, क्लाइम करती है, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स अपना भोजन लेती है। तो ये जो प्लांट्स है इसको बोलते हैं होस्ट। जिस प्लांट पे या जिस पेड़ पे ये अमर बेल या कैस्केटा क्लाइम करता है वो प्लांट या पौधा कहलाता है होस्ट। और जो ये जो जिस पे ये बेल जो होती है कैस्केटा, इसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट इसको बोलते हैं पैरासाइट। तो यहाँ पे रहेगा कि कैस्केटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, तो अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये प्रोसेस भी नहीं बना अपना सकती फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इट कैन नॉट प्रिपेयर हिज ओन फूड। इट टेक्स रेडीमेड, तो ये क्या करता है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, उस प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, जिस पे ये कवर चढ़ती है उससे अपना भोजन लेती है रेडीमेड फूड। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम, थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया था द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम, जिस पौधे पे द कैस्केटा अमरबेल जो चढ़ती है कॉल्ड द होस्ट, उसको क्या कहा जाता है, होस्ट।
एंड द कैस्केटा कॉल्ड पैरासाइट, और ये कैस्केटा को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहलाती है, पैरासाइट, बिकॉज इट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द दैट प्लांट्स. क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लेती है इस पौधे से, इसलिए आपको ये कैस्केटा पैरासाइट का एक एग्जांपल है. तो ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में. जो अगला जो है वो हमारा है सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, हम ये देख लीजिएगा. सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक एग्जांपल ले लीजिए ब्रेड का. ब्रेड है, जनरली वी सी दैट ब्रेड, ब्रेड घर में होती है, तो उसको कुछ टाइम रखने के बाद देयर इज ए ग्रीन ग्रीन पैसेज वी सी ऑन दैट ब्रेड, दैट इज फंगी. वो क्या होता है, फंगी, और जनरल लैंग्वेज हम बोलते हैं फंगस, कि इस ब्रेड पे तो फंगस लग गई, और ड्यू टू दैट फंगस द ब्रेड स्पॉइल, वो ब्रेड खराब हो जाती है हमारी तरफ से. तो अब वो खराब हो जाती है तो क्या होता है, उसको क्या बोलता है, ये जो फंगाई है यही आपका सैप्रोफाइटिक का क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ना एग्जांपल है. ट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, देखिए हमने बता दी इस प्रकार से ब्रेड होती है कोई भी, उसके ऊपर आप ग्रीन ग्रीन पैचेस देखते हैं, वो फंगस होती है, फंगाई बोल सकते हैं उसको, ठीक है. इस फंगस के कारण आपकी ये जो ब्रेड है पूरी स्पॉइल होती है, तो इस फंगाई को ये जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिला, ब्रेड से मिला, ठीक है. तो इस प्रकार क्या होता है, ब्रेड क्या लिविंग ऑर्गेनाइजम नहीं है, तो क्या है, डेड है, डेड मैटर. तो द ऑर्गेनाइजम विच ड्राइव्स इट फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर सच इन सच टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो अब इसके कुछ एक पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या होता है. फंगाई हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो फंगाई में जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अलग प्रकार का होता है, जैसा हमने पढ़ा था सैप्रोफाइटिक होता है, उसमें क्यों, इट ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम द डेड और डिकिंग प्लांट्स, दे ऑब्जर्व, दूसरा दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम ब्रेड, हमने ब्रेड का एग्जांपल ले लिया था, तो हम ब्रेड का एग्जांपल ले ले देते हैं यहाँ पे. उसके बाद तीसरा, तो अब ब्रेड जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, तो किस प्रकार का मैटर है, आपका डेड है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, डिकेइंग मैटर्स है. तो इस मोड में आपका क्या होता है, दिस इन दिस मोड ऑफ इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन takes food from dead and decaying matter. कोई आपसे पूछ ले सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये आपके इसकी डेफिनेशन हो जाए. फोर्थ, फंगाई आल्सो ग्रो, और हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं इसको, हमारे शूज पे होती है, आपके क्लॉथ्स पे भी होती है आपके, इस प्रकार के बहुत सारे आपके डेली कॉमन एग्जांपल्स में आप इसको देख सकते हो कि फंगाई कहाँ कहाँ होते हैं. तो आज हमने किसके पढ़ा, सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा. सेवन्थ क्लास में केवल इन्हीं दो टॉपिक्स पे आपका डिस्कशन इस चैप्टर में, जो दूसरे दो है इंसेक्टिवायरस और सिम्बोसिस वो इसमें इंक्लूड नहीं है. इंसेक्टिवायरस जो है पीछे प्लांट्स में होता है, और सिम्बोसिस क्या होता है, इसमें एक दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. क्यों आपके, थैंक यू.